टूनी के पति का देहांत हो चुका था। टूनी के लिए उसके दोनों बच्चों का परवरिश करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह बहुत मेहनत करके अपने दोनों बच्चों का परवरिश करने की कोशिश कर रही थी। एक दिन टूनी की सेहत अचानक बिगड़ जाती है, जिससे वह कामकाज करने के लिए बाहर नहीं जा सकती। टूनी के इस हालत से बच्चे बिल्कुल बेसहारा हो गए। मम्मा, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया मम्मा? आसपास के पक्षियों ने टूनी को कुछ दिनों से नहीं देखी थी। एक दिन तोती टूनी की हालचाल जानने के लिए आई और बोली, तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मेरा दिल पसीज जाता है। तुम क्यों नहीं अपने बच्चे को गोद दे देते? ऐसे तो ये दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं ना? हाँ दोस्त, इसी विषय में बात करने के लिए तो तुम्हें बुलाया है। टूनी की बात सुनकर तोती बोलती है, अच्छा अच्छा, चलो तो बहुत बढ़िया। मैं इसका पता लगा कर आती हूँ कि जंगल में कौन आपके बच्चे को गोद लेना चाहता है। फिर तोती यह बात पता करने के लिए जंगलों में चली जाती है। तोती के पता करने से पता चलता है कि चील बच्चे को गोद लेने की सोच रही है। तोते की बात सुनकर चील बोलती है, दरअसल हमारी शादी का बहुत दिन बीत गया, पर अब तक हमारी संतान नहीं हुई। हम बच्चा गोद लेना चाहते हैं। चील की बात सुनकर तोती बोलती है, मेरी सहेली टूनी चिड़िया के दो बच्चे हैं, आप चाहे तो उन्हें गोद ले सकते हैं। तोती की बात सुनकर चील बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार हो जाती है और तोती के साथ टूनी के घर आ जाती है। तोती और चील को देखकर टूनी बोलती है, मेरे बच्चे की बोल अभी अभी फूटी है, आपके जीवन में संतान की कमी को ये पूरा कर देंगे। चील बहन, तुम इन दोनों बच्चों को अपना बच्चा समझकर पाल लेना। हाँ हाँ टूनी बहन, जरूर, मैं इनका खूब ख्याल रखूंगी। फिर टूनी अपने दोनों बच्चों को गोद देने के लिए तैयार हो गई, पर बच्चे अपनी माँ को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होती है। वे दोनों बहुत रो रही थी, पर हालात के चलते टूनी को अपने दोनों बच्चों को खुद से दूर करना पड़ा। फिर चील उन दोनों को अपने साथ लेकर चली गई, पर असल में चील को अपने लिए बच्चों की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे अपने घर में काम करने वाली नौकरों की जरूरत थी। उसके पहले से ही दो बच्चे थे जो शहर में पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे, पर यह बात चील ने सबसे छुपा कर रखी थी। चील उन बच्चों को दिन भर काम करवाती, पर उसे खाना नहीं देती थी। चील के अत्याचार देखकर बड़ी बच्ची बोलती है, हमें किसी न किसी तरह यहाँ से निकलना होगा और माँ के पास जाकर इसकी सारी सच्चाई माँ को बताना होगा, नहीं तो ये जालिम चील हमें तड़पा तड़पा कर मार डालेगी। हाँ हाँ दीदी, पर हमें यहाँ लाने के बदले इसने माँ को पैसे दिए हैं। अगर हम यहाँ से माँ के पास जाएंगे तो ये माँ से पैसे मांगेंगे। अगर हम दोनों ऐसा करेंगे तो माँ को तकलीफ होगी ना दीदी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे दीदी। ये सब सोचकर वे दोनों वहीं पर रहने का फैसला कर लेती है। और इधर टूनी की सेहत धीरे धीरे सुधर जाती है। फिर वह अपनी सहेली तोती से कहती है, दोस्त, मैं एक बार अपने बच्चों को जी भर कर देखना चाहती हूँ, मुझे उसके पास ले चलो ना। हाँ दोस्त, पर पता नहीं तुम्हें चील ने क्या कहा था कि तुम फिर अपने बच्चों से कभी नहीं मिल सकती। अगर हम वहाँ पर चले गए तो हो सकता है कि वो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दे, तुम्हारे बच्चे वहाँ खुश ही होंगे, तभी तो वो तुम्हारी याद नहीं आई, वरना क्या वो तुमसे एक बार भी मिलने नहीं आते। तोती की बात सुनकर टूनी कुछ बोल नहीं पाई। दिन बीत रहे थे। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। टूनी के बड़ी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी। ये बात छोटी बच्ची चील से बोलती है। फिर चील बोलती है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, दो गोली खा लेगी बस ठीक हो जाएगी। यह कहकर चील छोटी को दो गोली देकर भेज देती है। छोटी गोली ले जाकर अपनी बहन को खिला देती है, पर उसके सेहत में कोई असर नहीं होता। फिर छोटी चील से कहती है, चील, दीदी की सेहत बिगड़ रही है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। फिर चील बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं। छोटी अपनी दीदी की बिगड़ती हालत देख नहीं पा रही थी। उसने मन ही मन ठाना कि मुझे किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। यह सोचकर वह चील के घर से निकल जाती है
और बारिश में भीगते भीगते अपनी मम्मा के पास चली जाती है। बहुत दिनों के बाद अपने बच्चों को देखकर टूनी भावुक हो जाती है। बेटा, तुम इतनी रात में बरसात में भीगते हुए यहाँ क्यों आई? क्या हुआ? फिर छोटी बोलती है, माँ, हमें गोद लेने की बात तो थी, पर वे हमें नौकरों की तरह रखते हैं। और पता है मम्मा, उसके पहले से ही दो बच्चे हैं जो शहर में पढ़ते हैं। दीदी की सेहत बहुत खराब है माँ, मैंने उससे बहुत विनती की कि दीदी को अस्पताल ले चलो, पर उसने नहीं मानी। उस भारी बरसात में टूनी अपने साथ एक डॉक्टर लेकर चील के घर पहुंची। टूनी को देखकर चील ने बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। फिर टूनी बोली, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। मेरे बच्चों को नौकर बनाकर रखने की जुर्म में मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकती हूँ। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है टूनी। तुम रुक जाओ, मैं बताती हूँ मुझ में कितनी हिम्मत है। फिर टूनी चील को एक पेड़ में रस्सी से बांध देती है। फिर डॉक्टर बच्ची का इलाज करके उसे दवाई दे देती है। घबराने की कोई बात नहीं है, अब यह ठीक है। फिर टूनी ने पूरे घर में उस एग्रीमेंट को ढूंढ कर निकाला और फिर उसे फाड़ कर फेंक दिया। उसके बाद टूनी ने चील को रस्सी से खोल दी। अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, अब मैं अपने बच्चों को साथ लेकर जा रही हूँ। फिर टूनी अपने बच्चे को साथ लेकर घर चली गई। बड़ी बेटी की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो चुकी थी। फिर सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगी, जिसे देखकर चील मन ही मन जलती रह गई। राजस्थान के जंगल में प्रचंड गर्मी पड़ रही थी, सारे पशु पक्षी परेशान हो रहे थे। बारिश ना होने के कारण पेड़ पौधे भी सूख गए थे। मम्मा मम्मा, बहुत प्यास लग रही है, पानी लाके दो ना। बेटा, पूरे जंगल में बारिश ना होने के कारण सभी तालाब नदियाँ झरने सूख चुका है, मैं कहाँ से पानी लाऊं बेटे? अरे यार, ये कैसा मौसम आ गया है, सारा जंगल तालाब नदियाँ सब सूख चुके हैं, प्यास से तो गला सूखा जा रहा है। तभी वहाँ एक सियार आ जाता है। क्या रे कल्लू भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बताऊँ सियार भाई, इस बार बारिश नहीं होने के कारण जंगल के सारे पेड़ सूख गए। अब जंगल में ना खाने के लिए कोई फल है और ना ही पीने के लिए पानी। अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो तुम्हें खाना भी मिलेगा और पानी भी। बताइए बताइए सियार जी, जल्दी बताइए मुझे क्या करना होगा। देखो कालू, तुम्हें तो मालूम है कि अब इस जंगल में पक्षियों के लिए ना खाने के लिए कुछ है और ना पीने के लिए कुछ। हाँ वो तो है। इसलिए जब सारी पक्षियाँ भोजन की तलाश में दूसरे जंगल में चली जाएगी तो तुम मुझे उसका घोंसला दिखा देना। घोंसले में जो बच्चे होंगे उसे मैं खा लूंगा और जो अंडे होंगे उसे तुम खा लेना। अरे वाह सियार भाई, प्लान तो लाजवाब है आपका। बस अब सिर्फ सभी पक्षियों के बाहर जाने का इंतजार कीजिए। दूसरे दिन सुबह। मेरे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए भोजन लाने जा रही हूँ। दरवाजा अच्छे से बंद रखना, अगर कोई जबरन अंदर आ जाए तो तुम लोग इस घोंसले के नीचे छुप जाना, ठीक है? ठीक है मम्मा, आप जाइए। जंगल की सभी पक्षियाँ अपने अपने बच्चों को सावधान करके भोजन की तलाश में निकल पड़ती हैं। तैयार हो जाओ सियार भाई, अब तो हमारी पार्टी चलेगी। चलो मैं आपको पक्षियों का घोंसला बताता हूँ। फिर कालू कौवा सियार के पीठ पर बैठकर दोनों आगे बढ़ता है। कालू, ये किस पक्षी का घोंसला है? सियार भाई, ये इस जंगल की सबसे चतुर पक्षी टूनी का घोंसला है। इसके बच्चों को खाने की गलती मत करना, वरना वो जीना मुश्किल कर देगी। चलो किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में चलते हैं। यह कहकर वह दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाता है। ये रहा कबूतर का घोंसला, चलो अंदर जाके देखते हैं। फिर सियार दरवाजे पर जोर का पंजा मारता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और दोनों अंदर चला जाता है। इन दोनों के अंदर जाते ही कबूतर के दोनों बच्चे दरवाजा के पीछे छिप जाता है। अरे सियार भाई, यहाँ तो कोई बच्चा या अंडा कुछ भी नहीं है। अरे यार, भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं, चलो कहीं और चलते हैं। फिर वे दोनों कबूतर के घर से निकल जाता है।
तभी कबूतर के दोनों बच्चे दरवाजे के पीछे से निकलता है। अरे बाप रे बाप, आज तो बाल बाल बचा। अरे छोटू, वो कहते हैं ना कि जाको राखे साईया, मार सके ना कोई। सियार भाई, ये बुलबुला का घोंसला है, इसमें पक्का बच्चे होंगे, चलो अंदर। फिर वे दोनों अंदर चला जाता है। आज मिल गया शिकार, मिल गया। अरे कालू, यहाँ तो बच्चे के साथ साथ बोनस के तौर पर अंडा भी मिल गया। सियार अंकल, सियार अंकल, मुझे मत खाइए प्लीज। मामा मामा, बचाओ बचाओ मामा मुझे। हमें तुम्हारी मासूम आंसू से कोई हमदर्दी नहीं है बच्चे। यह कहते हुए सियार बुलबुला के बच्चे को और कालू कौवा बुलबुला के अंडे को खा जाता है। फिर वे दोनों वहां से रफू चक्कर हो जाता है। कुछ ही देर बाद सभी पक्षियां दाना लेकर जंगल में वापस चले आते हैं। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मेरे अंडे भी नहीं है। बुल्ला बेटे, तुम कहाँ चले गए? हाय, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। फिर बुलबुला रोते हुए टूनी के पास जाती है। बुलबुला, तुम रो क्यों रही हो? टूनी बहन, मेरे घोंसले में मेरे बच्चे और अंडे कोई भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। तभी वहाँ कबूतरी अपने दोनों बच्चों के साथ आ जाती है। टूनी बहन, टूनी बहन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं घर वापस आई तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। बच्चों, तुम बता सकते हो क्या हुआ था? हाँ आंटी, हम लोग अपने घोंसले में आराम से बैठे हुए थे, तभी बाहर से आवाज आई, ये रहा कबूतर का घोंसला, चलो अंदर चलते हैं। फिर वे दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। हम लोग डर से दरवाजे के पीछे छुप गए। वह देखने में कैसा था हमने नहीं देखा। जंगल की सभी पक्षियों को इकट्ठा करो। फिर जंगल की सभी पक्षियां एक जगह जमा होते हैं और फिर टूनी बोलती है, दोस्तों, जब हम सभी पक्षियां भोजन की तलाश में निकल जाते हैं, तभी कोई हमारे दुश्मन मौका का फायदा उठाकर घर आते हैं और हमारे बच्चों को पकड़ ले जाते हैं। इसीलिए आज से जब हम लोग भोजन लाने जाएंगे, तो बारी बारी से प्रत्येक दिन एक एक चिड़िया हमारे बच्चों की रक्षा करेंगे, ठीक है? ठीक है टूनी दीदी। ठीक है, हम लोग तैयार हैं। टूनी की राय पर सभी पक्षियों ने सहमति प्रदान की। पहले दिन जंगल की रक्षा चील के हिस्से में आया। अब हर रोज एक एक पक्षी पहरे में बैठ जाती और सारी पक्षी आहार की तलाश में चली जाती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर, अरे सियार भाई, मामला तो बिगड़ गया, अब कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करूं? हाँ, मिल गया उपाय। अब हम पक्षियों के बच्चों को नहीं बल्कि पक्षियों को ही अपना आहार बना लेंगे। ये कैसे हो सकता है? कुछ बताओ सियार भाई, कुछ बताओ। तब सियार कालू कौवा के कान में कुछ कह देता है। हाँ, अब आएगा ना ऊंट इस गुफा के नीचे, मैं अभी जाता हूँ और पासा फेंकता हूँ। फिर कालू सियार के गुफा से कुछ आहार लेकर जंगल में आता है और बोलता है, पक्षियों, एक खुशखबरी है, हमारे जंगल के पास वाले गुफा में पीने लायक बहुत पानी है, साथ ही साथ आहार भी मौजूद है। कौवे की बात सुनकर सभी पक्षियां उसके पास आ जाती है। क्या तुम सच कह रहे हो कालू? देखो, तुम लोग मेरे अपने हो, इसीलिए बता दिया। अब मेरी बातों पे यकीन करो या ना करो, तुम लोगों की मर्जी। देखो पक्षियों, हमारे बच्चे प्यास से परेशान रहते हैं, हमें एक बार इस कल्लू पे विश्वास करना ही चाहिए, चलो हम लोग गुफा में जाके देखते हैं। यह कहकर जंगल की सारी पक्षियां गुफा के अंदर जाने के लिए रवाना होते हैं। कुछ ही देर में सभी पक्षियां गुफा के अंदर आ जाते हैं। अरे वाह, कितना ठंडा ठंडा पानी, अब हमारे बच्चे प्यास से नहीं तड़पेंगे। लेकिन तुम लोगों को तड़पना पड़ेगा। शाबाश कालू कौवे, शाबाश, तुम हर बेईमानी वाला काम लेकिन ईमानदारी से करते हो। इसका मतलब तुमने हम सबको धोखा दिया कालू दुष्ट कौवे? हाँ, इसने तुम सबको धोखा दिया, अब मैं तुम सभी को एक एक करके खाऊंगा, अब तो हमारी पार्टी चलेगी पार्टी। सियार जी, हम यहाँ तो कुछ गिने चुने ही पक्षी हैं, अगर आप मेरी बात मानो तो आपको ढेर सारी चिड़िया का मांस खाने मिलेगा।
ढेर सारी चिड़िया की मांस सुनकर सियार के मुंह में पानी आ जाता है। ढेर सारी चिड़िया, लेकिन कैसे टूनी? सियार जी, हम सभी पक्षियों के ढेर सारे बच्चे हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो इन सभी पक्षियों को गुफा में बंद रखें और आप हमारे साथ चले। जंगल में जितने भी पक्षियों के बच्चे हैं सबको पकड़ कर लाएंगे, तब आप आराम से कुछ दिनों तक पार्टी करेंगे। नहीं सियार भाई, टूनी आपको बेवकूफ बना रही है। अगर इसने मेरे साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो ये सारी पक्षियों का क्या हाल होगा, जानते हो ना? हाँ सियार जी, अगर मैंने अपने बच्चे को आपके हवाले ना किया तो आप मेरे इन सभी दोस्तों को खा लेना। ठीक है टूनी, अब चलो। यह कहकर टूनी और सियार दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं। फिर सियार गुफा के मुंह को एक बड़े चट्टान से बंद कर देता है और जंगल की ओर रवाना होता है। सियार जी, यही है मेरा घर, इसमें मेरे चार चार बच्चे हैं। हाँ तो टूनी, अंदर जाओ और जाके तुम अपने बच्चों को लेके आओ। सियार जी, अगर मैं अंदर जाके दरवाजा बंद कर लिया तो आपके पांच पांच शिकार घट जाएगा ना, इसलिए आप ही जाइए और अंदर से बच्चों को लेके आइए, मैं बाहर में इंतजार करती हूँ। ठीक है टूनी, मैं तुम्हारे बच्चों को लेके आता हूँ। यह कहकर सियार टूनी के घर के अंदर चला जाता है। तभी टूनी बाहर से घर का दरवाजा बंद कर देती है। क्या सियार जी, सिर्फ आप ही चाल चलना जानते हो क्या? टूनी नाम है मेरा, अच्छे अच्छे चाल चलने वालों को उसके ही चाल में फंसा देती हूँ। आपको क्या लगा मैं अपने बच्चों को आपके हवाले कर दूंगी? अब बंद रहिए यहीं पर जीवन भर, मैं चलती हूँ, बाय। फिर टूनी वहाँ से गुफा में चली जाती है। टूनी को गुफा में देखकर सभी पक्षियाँ बहुत ही खुश हो जाती है। दोस्तों, अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सियार को अपने घर में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दी है। अब हम लोग आजाद हैं, लेकिन कालू कौवे तुम इसी गुफा में बंद रहोगे। फिर सारी चिड़िया गुफा से बाहर आ जाती है और कालू दुष्ट कौवा को गुफा में बंद करके बाहर से गुफा का दरवाजा एक बड़े चट्टान से बंद कर देते हैं। इस तरह जंगल की पक्षियों को सियार और दुष्ट कौवा से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है।